लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों को शिकायत देने के लिए मथुरा भाजपा प्रत्याशी सेने तारिका हेमा मालिनी लगातार जनता से संवाद बनाए हुए हैं। सेने तारिका हेमा मालिनी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वृंदावन की घनी आबादी वाली गौरा नगर कॉलोनी पहुंची, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं जनता को मोदी सरकार के विकास कार्यों की भी जानकारी भी दी। इसी बीच सेने तारिका को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ जुट गई, लेकिन वोटर अपने अंदाज में यह कहते दिखाई दिए कि चलो चुनाव में ही सही। उनकी सांसद ने 5 साल बाद आकर उनकी कॉलोनी की ओर देखा तो सही। मतदाताओं का यह अंदाज जहां एक ओर सांसद को अपने होने का एहसास करा रहा था, वहीं दूसरी ओर 5 साल बाद चुनावों में वोट मांगने पहुंची सांसद की ओर नाराजगी भी जाहिर करता दिखाई दिया। हेमा मालिनी आई थी, हेमा मालिनी आई थी, क्या कुछ बोल गई थी वो? भाई मैंने ये सुनी नहीं थी। कितनी देर रुकी थी वो? अब मैं तो देख के यहाँ तुरंत चली गई फिर घर पे। अपने घर चली गई? तो समझ में नहीं आया बोल क्या गई थी। तो इससे पहले भी आई थी वो कभी? ना, 5 साल अपनी वो सांसद रही है, उससे पहले कभी आई थी? मैंने ना कभी देखा। पहली बार ही आई थी इस बार?